चंद जो दो चार मुझे पता है कि दो तीन जो है, जो चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, वो लोग जो है सोचते हैं कि हम ही लीड कर रहे हैं, हम ही गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं का काम है कि पहले मंत्री जी के सामने जो है किलो के हिसाब से बिकी, ठीक है, और वो लोगों को गुमराह करके चंद आड़तियों के लिए, एक दो आड़ती के लिए जो है हम फार्मर्स का नुकसान नहीं होने देंगे। कानून देश का बना हुआ है, कोई भी आइटम जो है बाय वेट बाय नंबर बिकेगा, और उसके लिए हमने व्यापारी भाइयों से भी, किसान संगठनों से भी एक नहीं अनेकों बार बैठक की है, और सब ने माना था कि किलो के हिसाब से सेब और फल बेचेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात मेरे सामने पराला में जो है इन्होंने बाय वेट जो है ऑक्शन किया, अभी नहीं कुछ दिन पहले, हफ्ता दो हफ्ता पहले, और आज जो है कोई राजनीतिक बात को लेकर अगर ये करना चाहते हैं तो ये हमें जो है मान्य नहीं है। हम जो है जो कानून है उसको सख्ती से लागू करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जो मंडी है आप देख ही रहे हैं कि इसमें काफी हिस्सा जो है चट्टानों के गिरने से जो है क्षतिग्रस्त है, तो इसी को लेकर जो है इसको अनसेफ जो है डिक्लेयर किया गया था। परंतु इसके साथ जो है एक और पोर्शन है जो हमें भी लग रहा है कि सेफ है, तो हमारी टेक्निकल कमेटी इसका मूल्यांकन करेगी और उसके बाद अगर ये सेफ है तो इस पोर्शन में जो है काम किया जा सकता है। इसके अलावा आड़तियों को दिक्कत आ रही है किलो के हिसाब से बेचने में, क्योंकि हर एक पेटी को तोलना पड़ रहा है और जगह कम है। कानून देश का बना हुआ है, कोई भी आइटम जो है बाय वेट बाय नंबर बिकेगा, और उसके लिए हमने व्यापारी भाइयों से भी, किसान संगठनों से भी एक नहीं अनेकों बार बैठक की है, और सब ने माना था कि किलो के हिसाब से सेब और फल बेचेंगे, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा पराला मंडी में आज जो आड़ती है वो धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें जो किलो के हिसाब से जिस तरीके से सेब बिक रहा है, हमारे पास जगह नहीं है सेब रखने के लिए, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल कार्टन है उसको लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो इसके पर क्या कहना? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल कार्टन की जो बात कर रहे हैं उसमें ये खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाया है ग्रेडिंग का, वो ही यूनिवर्सल कार्टन के रूप में आता है जो मैक्सिमम 24 किलो कार्टन के वेट के साथ है, तो हमने तो वही रखा है अपर लिमिट जो 24 जो खुद मांग रहे हैं लोग, फिर उसमें ये जो दो किस्म की बात क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे सामने पराला में जो है इन्होंने बाय वेट जो है ऑक्शन किया, अभी नहीं कुछ दिन पहले, हफ्ता दो हफ्ता पहले, और आज जो है कोई राजनीतिक बात को लेकर अगर ये करना चाहते हैं तो ये हमें जो है मान्य नहीं है। हम जो है जो कानून है उसको सख्ती से लागू करेंगे। विधानसभा क्षेत्र की ये पुरानी मंडी है, इसको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा जहाँ पे अभी बनी हुई? हाँ बिल्कुल करेंगे माननीय, यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, हमारे अभी मंत्री अनुरोध जी, ये भी इसीलिए हमें यहाँ पर लेके आए, ये चाहते हैं कि इस मंडी को दोबारा से जो है रिवाइव किया जाए। इसमें जितना भी इसमें जो भी रेस्टोरेशन का काम है, प्रोटेक्शन का काम है, हम इसको करेंगे। देखिए मैं धन्यवादी हूँ जगत सिंह नेगी जी का, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, आज ये दौरे पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि कुछ एक लोग जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पब्लिक के बारे में, या जो दूसरे आड़ती जो पुराने समय से हैं उनके बारे में नहीं सोचते, उन लोगों ने प्रेशराइज करके जो है गलत पिक्चर जो है पेश करके बोला कि यहाँ पे जो है मंडी जो है पराला में ही होनी चाहिए, यहाँ बंद होनी चाहिए। यहाँ के भाई लोग हमारे से सब मिले हैं, सभी का रोज़गार जुड़ा है, चाहे वो आड़ती है, चाहे वो लदानी है, चाहे वो गाड़ी वाले हैं, चाहे कोई चाय बेच रहा है, सबका रोज़गार यहाँ से जुड़ा है, लाइवलीहुड पूरे साल की जुड़ी है। ये बात ठीक है, सरकार बड़ी गंभीर है हमेशा कि कोई अनसेफ नहीं होने चाहिए, किसी को चोट भी लग जाए तो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार जो है जवाबदेही होती है। तो इसके तहत जो है आज माननीय जगत सिंह नेगी जी मंत्री जी साथ आए हैं, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है, एमडी साहब हमारे साथ हैं और पूरा प्रशासन जो है साथ आया, वो देखा है, अपनी रिपोर्ट जो है 24 घंटे के अंदर सबमिट करने के लिए बोला है, 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करके जो एरिया क्षतिग्रस्त है या डेंजरस है उसमें तो व्यापार नहीं हो पाएगा, इस बात से हम भी सहमत हैं, लेकिन जो एरिया ठीक है उसमें जो है व्यापार जो है इस साल करेंगे और अगले साल तक, क्योंकि ये 6 महीने या 2 महीने का काम नहीं है, ये 2 महीने के अंदर जो है इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम खड़ा कर दें ये संभव ही नहीं है, इसके जो है पुनः जो है रिस्टोरेशन जो है दोबारा की जाएगी। APMC के पास, बोर्ड के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, जितनी भी आज डिस्ट्रिक्ट शिमला में मंडियां बनी हैं वो APMC शिमला किन्नौर की जो ढली में स्थित है
इसके जो मार्केट कमेटी फीस जो जमा होती है इसके बलबूते के ऊपर दूसरी मंडियां जो है पूरे जिले में खड़ी हुई हैं आज। और इसका मतलब ये नहीं कि भी आज जो है हम लोग जो है इन मंडियों को, चाहे वो ढली मंडी है, अभी इसके बाद ढली मंडी भी माननीय मंत्री जी के साथ दौरा करेंगे, वहाँ पे एक्सपेंशन कैसे हो सकती है उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। बजट की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, हम चाहते हैं कि चाहे ढली मंडी है चाहे फ्रूट मंडी बटकपुर है, इसका जो विस्तारीकरण हो। सब्जी मंडी की भी मांग बड़े टाइम से हो रही है, उसको बढ़ाने की, उसको देखिए वो अभी देखे, अभी उसका पहले भी प्रोजेक्ट बना था, एक वर्ल्ड बैंक का भी एक बन रहा था, पर वो सिरे नहीं चढ़ पाया। आज मैंने आदरणीय जगत सिंह जी को, मंत्री जी को ब्रीफ भी किया है, अभी एक दौरा करके और उसके बाद उसका वो जो एक प्लान बनाया जाएगा कि हम उसको कैसे जो है, उसके निचली साइड को बहुत जगह है तो वो एलिवेट होके उसमें पार्किंग भी बन सकती है, उसमें ट्रक खड़े करने की थड़े भी बन सकते हैं और दुकानें भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 लेन वैसे निकल रहा है, बड़ी गाड़ियां तो वहीं से निकल जाया करेंगे, तो मंडी का विस्तारीकरण यहां पे होना चाहिए। इसके अलावा सर, अगर कोई 8 किलो के हिसाब से सेब नहीं बेचता तो उसके ऊपर क्या कानून? देखिए कानून बनाया है सरकार ने और ये बहुत लंबी डिमांड जो है, ये बहुत लंबी डिमांड जो है ये आढ़तियों की थी, आढ़तियों की और फार्मर्स की थी के किलो के हिसाब से हमारा जो है, नहीं 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 नहीं, हमारा जो है शोषण होता है, फार्मर्स बोलते थे। ये चंद जो दो चार मुझे पता है कि दो तीन जो है, जो चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, वो लोग जो है सोचते हैं कि हम ही लीड कर रहे हैं, हम ही गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं का काम है कि पहले मंत्री जी के सामने जो है किलो के हिसाब से बिकी, ठीक है, और वो लोगों को गुमराह करके चंद आड़तियों के लिए, एक दो आड़ती के लिए जो है हम फार्मर्स का नुकसान नहीं होने देंगे। सर जो आज मंडी बंद की, इसका क्या सोल्यूशन है? जो जैसे बंदे आज बेच नहीं रहे, करो बेचो नीचे, सेब नहीं बेच रहे ना, बोलो बंद कर दे सर, एक मिनट सुनो, देखो ऐसा है, जितने भी आड़ती है उनसे हम लोगों का निवेदन है, उनके ऊपर उनसे निवेदन है कि सरकार जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगी, अगर आड़ती सामान अगर नहीं बेचेंगे, हम व्यक्तिगत फैसला लेंगे माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के, उनके लाइसेंस कैंसिल करेंगे हम, ठीक है सर, उनकी दुकानें भी खाली करा दूंगा मैं, ये अगर उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और फार्मा नुकसान कर दिया, के आज हिमाचल तक बंद कर, नहीं होगा बंद, कोई बंद होगा एक आध दिन बागवानों को कोई दिक्कत जरूर होगी, परंतु तीसरे दिन हम जो यार बतेरे बेचने वाले हैं, अगर वो नहीं बेचेंगे हम लाइसेंस कैंसिल करेंगे। सर मुझे एक बात कहना चाहेंगे, आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, ये क्या ब्लैकमेल कर रहा है भैया, आपने आएंगे और मैं पास आपने खरीदना।